1 तारीख से काम चालू किया है और 31 मई के पहले वो पूरा काम खत्म किया जाएगा। महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया समाप्त होताच सर्व शासकीय अधिकारी आपल्या कार्यालयात रुजू होऊन नियमित कामास सज्ज झाले आहेत, कारण आता लवकरच पावसाळा सुरू होणार आहे। नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाने पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांना पूर्ण करण्यासाठी 1 मे पासून जोरदार सुरुवात केली आहे। याच अंतर्गत 31 मे पर्यंत शहरातील 74.28 किलोमीटरच्या नाल्यांची साफसफाई करण्याची डेडलाईन महापालिकेने जारी केली आहे। अपने शहर में जितने भी गटर्स है वो मैक्सिमम गटर्स क्लोज टाइप के हैं, वो गटर साफ करने के लिए 1 तारीख से काम चालू किया है और 31 मई के पहले वो पूरा काम खत्म किया जाएगा। और जो बड़े बड़े नेचुरल नाले हैं वो नाले नियर अबाउट 74 किलोमीटर है पूरे शहर में, और वो नाले का जो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसमें कुछ मिट्टी है, कुछ पेड़ गिरे हुए या कुछ भी जो भी है वो भी 31 मई के पहले निकाला जाएगा। या संपूर्ण कामांसाठी महापालिका 7,14,00,000 रुपये खर्च करणार आहे। ये जो गटर सफाई कर रहे हैं वो अपने जो साफ सफाई के जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके थ्रू ही हम गटर का काम कर रहे हैं, बंदिश गटर का। और उसके गटर की लेंथ जो है 563 किलोमीटर है पूरी, और उसके लिए बजट जो है 4.3 करोड़ का बजट है, प्रोविजन है। और जो नाले का ऑब्स्ट्रक्शन निकलना है उसका प्रोविजन 2.84 करोड़ का प्रोविजन है। 31 मे पर्यंत सर्व पावसाळ्यापूर्वींची कामे पूर्ण व्हावी यासाठी महापालिकेने 165 ठेकेदारांची नियुक्ती केली आहे। जो नाले का ऑब्स्ट्रक्शन निकलने का काम दिया है उसमें उनको क्लियर कट ये किया है कि 31 मे के पहले काम खत्म करना है, और पूरे मानसून में उन्होंने वो एक वहाँ पे लेबर रखे, जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा या कुछ भी आएगा वो तुरंत निकालना है। NMTV ब्यूरो रिपोर्ट।